देश भर में महिलाओं के प्रति आपराधिक मामलों में वृद्धि को देखते हुए एसपी स्मार्ट स्कूल ने एक महत्वपूर्ण कदम उठाया। स्कूल ने अपने विद्यार्थियों खासकर छात्राओं के लिए एक विशेष जेंडर सेंसिटाइजेशन अवेयरनेस प्रोग्राम का आयोजन किया। ये कार्यक्रम नेशनल कमीशन फॉर वुमेन की स्पेशल सेल फॉर वुमेन सांबा की मदद से आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम के दौरान विद्यार्थियों को महिलाओं के खिलाफ हो रहे अपराधों की जानकारी दी गई और उन्हें इससे कैसे बचना है इस पर प्रशिक्षण दिया गया। परीक्षा शर्मा और मैं एज अ कोऑर्डिनेटर काम कर रही हूँ स्पेशल सेल्स फॉर वुमेन जम्मू डिवीजन। तो आज हमने एसपी स्मार्ट स्कूल में एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करा था। बेसिकली ये प्रोग्राम स्पेशल सेल्स फॉर वुमेन सांबा ने ऑर्गेनाइज किया था इन कोलैबोरेशन विद एसपी स्मार्ट स्कूल। आज का हमारा टॉपिक था जेंडर बेस्ड वायलेंस। तो हमने स्टूडेंट्स को एजुकेट किया जेंडर के बारे में, सबसे पहले कि जेंडर कैसे सोशली कंस्ट्रक्टेड कॉन्सेप्ट है और कैसे इसका जो है वो हमारी जो जेंडर सोशलाइजेशन है कैसी, वो हमारी बचपन से ही स्टार्ट हो जाती है, राइट फ्रॉम आवर फैमिली। बचपन से स्टार्ट होती है हमारी फैमिली, देन हम स्कूल में जाते हैं, वहाँ पे भी हमारे जेंडर रोल्स जो है वो डिफरेंशिएट होते हैं ऑलरेडी, और कम्युनिटी में कैसे डिफरेंशिएटेड हैं, उसके बाद मार्केट में कैसे हैं। तो हमने आज एक इंटरेक्टिव सेशन रखा जिसके थ्रू हमने बच्चों से भी बात करी, लाइक वो वायलेंस के बारे में बात करी, जेंडर बेस्ड वायलेंस जो कि वो फेस करते हैं, और कुछ बच्चों ने अपने एक्सपीरियंसेस भी शेयर किए। विद्यार्थियों को कानूनी धाराओं के बारे में बताया गया और समझाया गया कि अगर वे कभी किसी अपराध का शिकार होते हैं तो उसकी रिपोर्ट कैसे करें और अपनी सुरक्षा कैसे सुनिश्चित करें। प्रोग्राम था, अवेयरनेस प्रोग्राम था। हम होप करते हैं कि हमारे जो सराउंडिंग में और भी स्कूल्स हैं विद इन सांबा डिस्ट्रिक्ट, वो इससे एक पॉजिटिव मैसेज लें और अपने स्कूल्स में भी जो है जेंडर सेंसिटाइजेशन के रिगार्डिंग जो है अवेयरनेस प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करें, जिससे कि जो स्कूल गोइंग गर्ल्स हैं, बॉयज़ हैं, इवन जो स्कूल का स्टाफ है, उनकी विजिबिलिटी भी इंक्रीज हो क्राइम अगेंस्ट। हम सब जानते हैं क्राइम अगेंस्ट वुमेन जो है बहुत ही सेंसिटिव मैटर है, इसके लिए हमें रिपोर्टिंग करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। क्या है कि आज जो बात की गई है वो कहीं ना कहीं जो कल्चर है हमारा चुप्पी का, उस पर भी बात की गई है कि हमें चुप्पी तोड़नी है और कहीं ना कहीं जो इंसिडेंट्स हैं उन्हें जो है रिपोर्ट करवाना है। जी सर, डेफिनेटली। जिस तरीके से स्कूल ने अप्रोच किया हम लोगों को प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करने के लिए, कहीं ना कहीं ये चीज़ दिखाता है कि स्कूल भी है जो बच्चों के प्रति जो है बच्चों को जो है वो सेंसिटाइज कर रहा है, वो एक स्टेप है उनका कहीं ना कहीं क्राइम अगेंस्ट वुमेन को रोकने का। एसपी स्मार्ट स्कूल का ये मानना है कि शिक्षा सिर्फ किताबों तक सीमित नहीं होनी चाहिए बल्कि हमें सामाजिक मुद्दों के प्रति भी जागरूक होना चाहिए। इस पहल के माध्यम से स्कूल ने ये सुनिश्चित किया है कि उनके छात्र और छात्राएं समाज में सकारात्मक बदलाव लाने में सक्षम हों। इस पहल के तहत विद्यार्थियों को आत्म सुरक्षा के उपायों के साथ साथ कानूनी अधिकारों के बारे में भी जानकारी दी गई। इस कार्यक्रम का उद्देश्य केवल जानकारी देना नहीं बल्कि हर छात्रा को आत्म सुरक्षा के लिए सशक्त बनाना भी है। That a school has organized a counseling session based on the girls' safety. So basically, we are so glad and honored that our school have taken this fast step and they have organized a very nice program which actually helps us and basically it enhances and it also builds up our morale towards to face the society in today's present world. So I would like to thank everyone, the faculty members and the team of SP Smart School that they have taken a step forward to enhance the knowledge and the basic point of view of every girl child present in the school. Thank you. Today I'm really glad that I was part of the women's cell and some special things I learned about today, about women's security and how women are objectified in daily basis and how they face a lot of problem, violence and gender color pairing and many other issues which we tackle socially, culturally, religion basis and a lot more. So we learned a lot of things, how to raise our voice, how to be strong and face such problems. Myself Priyanka Chaudhary and I am from SP Smart School, and
आज हमारे स्कूल में सीओ सर के द्वारा अरेंज किया गया साइबर सेफ्टी के लिए वुमेंस के लिए है जो, और यहाँ पे कोऑर्डिनेटर टीचर्स आए हैं सांबा से जिन्होंने हमें ये सब गाइड किया। लाइक अगर इन विलेजेस में स्पेशली ये सब होता है, अगर कुछ भी वॉयलेंस वगैरह होता है तो वुमेंस जो होती है स्पेशली वो बोल नहीं पाते हैं क्योंकि उनको यही एक होता है लाइक बट विल सोसाइटी से वो इस चीज़ को लेकर ये हमें अंदर होता है कि हम कुछ भी एक्सप्लेन नहीं कर सकते किसी को भी। तो उन्होंने ये जो कोऑर्डिनेटर टीचर्स आए हैं उन्होंने हमें इसी के लिए सपोर्ट कर रहे हैं। अगर कुछ भी ऐसा होता है यू कैन फ्रीली कॉन्टेक्ट अस फ्रॉम बिटवीन 10 AM to 5 PM। स्कूल मैनेजमेंट का कहना है कि इस प्रकार की पहलू से समाज में महिलाओं के प्रति संवेदनशीलता बढ़ेगी और हम सभी मिलकर एक सुरक्षित और समान समाज की दिशा में कदम बढ़ाएंगे। आज एसपी स्मार्ट सीनियर सेकेंडरी स्कूल में बच्चों को गाइडलाइंस के लिए बच्चों को एक इंटरेक्शन प्रोग्राम रखा गया है जो कि वुमेन सेल सांबा की तरफ से, बेसिकली नेशनल कमीशन फॉर वुमेन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से स्पॉन्सर्ड है। वहाँ से 3 लोग यहाँ पे आए हुए हैं जिसमें परीक्षा शर्मा हैं जो जम्मू डिवीज़न के कोऑर्डिनेटर हैं, काजल मैडम हैं और सुनैना मैम हैं। मैनेजमेंट कमेटी की तरफ से हमारे चेयरमैन शिवांग सत्य गुप्ता सर के इनिशिएटिव से आज बच्चों को गाइडलाइंस दी जा रही हैं कि बच्चों की सेफ्टी, बच्चों की सिक्योरिटी में सोशल सोसाइटी में बच्चे कैसे अपने आप को सेफ रखेंगे, उसके लिए क्या गाइडलाइंस की ज़रूरत है, उसके लिए इनको किन चीज़ों का नॉलेज होना चाहिए। तो स्कूल के एफर्ट्स के जरिए आज एक बहुत अच्छा प्रोग्राम यहाँ पे ऑर्गेनाइज़ किया गया हुआ है जिसमें सारे बच्चों को ये गाइडलाइंस दी जा रही हैं और हमारे अभी एक सेशन हुआ है, 2 सेशन होंगे, दूसरे सेशन में भी बच्चों को ये गाइडलाइंस दी जाएंगी। इनको लीगल सेक्शंस के बारे में बताया जा रहा है, इनको स्टेप्स के बारे में बताया जा रहा है कि सोशल सोसाइटी में बच्चों ने क्या प्रिकॉशंस लेने हैं, क्या स्टेप्स लेने हैं।